गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। आज हम बात करेंगे फ्रेंड कुक आइलैंड के बारे में, और काफ़ी वीडियोस मेरे अपलोडेड है चैनल पे कुक आइलैंड रिलेटेड, और उन सभी वीडियोस पे आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला, तो उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुक आइलैंड कहाँ पे? तो मैं बता दूँ, कुक आइलैंड इज़ एन आइलैंड कंट्री इन साउथ पैसिफिक ओशियन, क्लोजेस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, और कैपिटल है अबरवा, और इसकी जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर, वो लगभग 52-53 होते रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, अप टू 31 डेज के लिए, 31 डेज के लिए हम इंडियंस को वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है फॉर कुक आइलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मुझे आपसे शेयर करनी है वो है रूट के बारे में। ठीक है फ्रेंड, और इसके स्टोरी है, नॉट अ स्टोरी, ये स्टोरी नहीं है, एक रियल जो हुआ है। हम यूट्यूब फैमिली में से एक जन गया था कुक आइलैंड जाने वाला था। ठीक है, तो उसकी ये रियल स्टोरी है। ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ था, इसका इशू क्या था, वो मुझे आपसे डिस्कस करना है। तो आप अगर कुक आइलैंड जा रहे हो तो आप ध्यान रखें इस चीज़ के बारे में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कॉल्स मुझे आते हैं इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, काफ़ी नेपाली, उनको भी कुक आइलैंड जाना है। ठीक है, तो वो भी सब क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या दिक्कत है और क्या किस तरह से हम जाए, क्या मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये सब कुछ इस वीडियो में मैं रिवील कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और काफ़ी वीडियोज़ है मेरे रिलेटेड कुक आइलैंड, तो वो आप भी देख सकते हो, लेकिन ये जाने से पहले ये स्पेशली ये वीडियो आप देखें। ठीक है, तो मैं उसकी स्टोरी, उसके साथ जो हुआ, जो हादसा हुआ, नॉट अ हादसा आप कह सकते हो, जो डिनाई हो गई उसकी, जो चेक इन डिनाई हो गया था। ठीक है, तो उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से और क्या है उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो वो इंडियन है, हमारा सब्सक्राइबर है, मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहता। ठीक है, उन्होंने मना किया था, उन्होंने कहा था आप सिर्फ बता देना ऑडियंस को, हमारे यूट्यूब फैमिली को आप शेयर कर देना, तो उनको ईजी रहेगा जाने के लिए। और सब काफ़ी ट्रैवल एजेंट जो फ्रॉड करते हैं, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट, तो उनके बारे में आपको पता रहेगा क्या ये क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए हमें एज अ, अगर हम जाना चाहते हैं कुक आइलैंड, तो हम आप सभी को पता रहना चाहिए क्या क्या हो रहा है, क्या चाहिए आपको, इसके बिना आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो मलेशिया से जा रहे थे, इंडिया से निकले मलेशिया पहुँचे। ठीक है, मलेशिया से उनकी फ्लाइट थी कुक आइलैंड के लिए, वाया मलेशिया टू ऑकलैंड, और ऑकलैंड से कुक आइलैंड, ये फ्लाइट थी। ठीक है, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की फ्लाइट थी। तो मलेशिया एयरपोर्ट पे पहुँचे, मलेशिया एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि मैंने एम्बेसी में बात की है मैंने। ठीक है, और मैंने जो ये है ट्रैवल, ये रहता है ना पोर्टल रहता है जैसे इजी को, गोआईबीबो, तो उनके एग्जीक्यूटिव से बात की, स्पेशली उन्होंने गोआईबीबो के एग्जीक्यूटिव से बात की थी कॉल करके। ठीक है, तो इनको इन्फॉर्मेशन मिली, और एज वेल एज एम्बेसी में से भी, नेदरलैंड एम्बेसी में से भी उन्होंने पूछा, क्रॉस वेरीफाई किया, क्या कुक आइलैंड जाने के लिए मेरा रूट बन रहा है ऑकलैंड से, और मुझे ट्रांजिट वीज़ा लगेगा क्या। तो उन्होंने कहा कि अगर आप 7-8 घंटे तक एयरपोर्ट में रहते हो तो ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, तो वो हिसाब से, और उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया गोआईबीबो में कॉल करके, उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करके। ठीक है, तो वो क्लियर हो गए कि चलो ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा 7-8 घंटे तक ऑकलैंड में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये स्पेशल ये नोट कर लिए ये पॉइंट को, क्या नेपालीज, पाकिस्तानी, बांग्लादेश सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन, ये ध्यान रखे कि रूट के बारे में ध्यान रखे, स्पेशली ये पॉइंट आप याद रखें। ठीक है, अगर आप जा रहे हो तो उनको क्या दिक्कत हुई है मैं बता देता हूँ पहले। तो उनको दिक्कत हुई, वो पहुँचे मलेशिया एयरपोर्ट पे पहुँचे। ठीक है, उन्होंने पहले क्रॉस वेरीफाई कर लिया एम्बेसी से, और गोआईबीबो कस्टमर केयर में कॉल करके कि हमें इंडियंस को ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता फॉर 7-8 आवर्स के लिए। ठीक है, वो उन्होंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, फिर उन्होंने टिकट बुक किया, होटल रिजर्वेशन किया, ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिया, सब कुछ हो गया रेडी। ठीक है, फिर वो चेक इन काउंटर पे पहुँचे मलेशिया एयरपोर्ट पे, चेक इन काउंटर पे पहुँचे, उन्होंने टिकट्स बताए, होटल रिजर्वेशन बताया, फिर वो काउंटर पे कहा कि आप ये फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी फ़्लाइट जो है वो ऑकलैंड से है, और उसके लिए ETA चाहिए, ETA मीन्स ट्रांजिट वीज़ा। ठीक है, या फिर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी उसे कहते हैं, या फिर टूरिस्ट वीज़ा चाहिए न्यूजीलैंड का, या फिर आपके पास ट्रांजिट वीज़ा होना चाहिए न्यूजीलैंड का, या फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया से जा रहे हो तो वहाँ पे भी ट्रांजिट वीज़ा लगेगा।
तो ये दिक्कत हो गई। वो काफ़ी आर्गूमेंट किया, उन्होंने कहा कि मैंने एम्बेसी में कॉल किया था, मैंने फिर यहाँ पे गोए भी वो मैं कॉल किया, उन्होंने कहा कि हम इंडियंस को नहीं लगता है ट्रांजिट वीज़ा। लेकिन ये गलत बात है फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आपको बता दूं क्या, हम सभी को ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, इंक्लूडिंग इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश सिटीजन, सबको ट्रांजिट वीज़ा लगता है ऑकलैंड में या फिर सिडनी में। अगर जिस तरह से आप रूट चूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फ्लाई करते हो इंडिया से सिंगापुर, सिंगापुर में ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, ये क्लियर है, ठीक है। मैंने खुद ने ट्रैवलिंग किया है, मैं खुद ट्रांजिट में था सिंगापुर में, एज वेल एज हांगकॉन्ग में भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है, वहाँ पर भी मैंने ट्रैवलिंग किया है, मैं खुद था हांगकॉन्ग में भी ट्रांजिट में, ठीक है। तो हांगकॉन्ग और सिंगापुर बेफिक्र रहिए, आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा। अब भी आते हैं, मैंने रूट इसमें रूट चूज़ किया था, वो तो मलेशिया से जा रहा था, लेकिन मैं आप सभी की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया से फ़्लाइट लेते हो तो इंडिया से सिंगापुर, सिंगापुर से ऑकलैंड, तो ऑकलैंड का ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, और ऑकलैंड से कुक आइलैंड, कुक आइलैंड में हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है, नॉट ट्रांजिट वीज़ा, हमें वीज़ा ही नहीं लगता है कुक आइलैंड में। तो रहा सिर्फ सवाल बीच की कंट्री है, वो है ऑकलैंड, या फिर आपके रूट में अगर सिडनी आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो उसका ट्रांजिट वीज़ा लगवा दीजिए, क्लियर। तो ये सभी के मन में क्वेश्चंस रहता है कि हम कैसे जाए, किस तरह से जाए, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप बिना ट्रांजिट वीज़ा के नहीं जा सकते कुक आइलैंड, आपको ट्रांजिट वीज़ा लगाना है, मस्ट मैंडेटरी है, ट्रांजिट वीज़ा लगवा दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कुक आइलैंड जाना है तो। फिर आपके पास वंस ट्रांजिट वीज़ा आ जाता है, कोई भी दोनों में से कोई भी एक कंट्री, या ऑस्ट्रेलिया सिडनी का ट्रांजिट वीज़ा लगवा दीजिए, या न्यूजीलैंड ऑकलैंड का ट्रांजिट वीज़ा लगवा दीजिए, तो रूट बनता है इंडिया से सिंगापुर, सिंगापुर से ऑकलैंड, ऑकलैंड से कुक आइलैंड। सेकेंड रूट है इंडिया से सिंगापुर, सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया सिडनी और कुक आइलैंड, ठीक है, ये दो रूट बनता है, दोनों का ट्रांजिट वीज़ा मस्ट मैंडेटरी है। क्योंकि काफ़ी ट्रैवल एजेंट कहते हैं क्या ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है, स्पेशली नेपालीज़ को कहते हैं कि आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा ऑकलैंड का, डायरेक्ट जा सकते हैं, सिर्फ सिंगापुर से, सिंगापुर में कोई एजेंट सिंगापुर में छूट देगा, या फेक टिकट्स बना देगा, या कोई शॉप बंद करके पैसा लेके भाग जाएगा, कोई पैसा रिफंड ही नहीं करेगा, लेके बैठ जाएंगे। और काफ़ी नेपाली सिटीजन से उनका पैसा काफ़ी एजेंट ने लेके रख दिया है, कह रहे कि मैं आपका प्रोसेस कर रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस होता नहीं है, सिर्फ लेके बैठ जाते हैं, वापस रिफंड करते नहीं। तो प्लीज़ थोड़ा ये देखे वीडियो, अगर आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं लग रहा है पासपोर्ट पर, तो दैट मीन्स ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, कि विदाउट ट्रांजिट वीज़ा आप नहीं जा सकते। वो होगा या अगर आप न्यूजीलैंड चूज़ करें न्यूजीलैंड रूट, तो न्यूजीलैंड का ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया का रूट चूज़ करें तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी का ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ हुई थी, अभी हमारे फैमिली में से एक यूट्यूब फैमिली में से एक जन जा रहा था मलेशिया से कुक आइलैंड, तो उनको चेक इन डिनर हो गई थी, यहाँ से मलेशिया में चेक इन डिनर हो गई, उनसे उन्होंने ETA मांग लिया न्यूजीलैंड का, ठीक है, या ट्रांजिट वीज़ा आप बताइए, ठीक है, विदाउट ये प्रोसेस आप नहीं जा सकते, आपको मस्ट मैंडेटरी है ये वीज़ा, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप कुक आइलैंड जा रहे हो तो ट्रांजिट वीज़ा लगवाए, या फिर न्यूजीलैंड का लगवाए, या फिर ऑकलैंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया का लगवाए, विदाउट ट्रांजिट वीज़ा आप नहीं जा सकते कुक आइलैंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही जानकारी मुझे आप सभी को प्रोवाइड करनी थी, ठीक है, तो दैट्स इट फ्रेंड्स। और कुछ भी क्वेरीज होती है प्लीज कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन देगा ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।